हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व का रिमेनिंग पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका पहला पॉइंट मतलब प्रोविजन मैंने अपनी लास्ट वीडियो नंबर 63 में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम रिजर्व पढ़ेंगे। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रोविजन और रिजर्व में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? रिजर्व हमारा वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हम असाइड रख देते हैं, नॉट फॉर बियरिंग द लायबिलिटीज बट ओनली टू बियर द कंटिंजेंसीज वेदर इट इज नोन और अननोन, अचानक से होने वाली हैपनिंग, उसके लिए अगर हमारे पास थोड़ा रिजर्व रखा हुआ होता है तो दैट इज नोन एज रिजर्व। ऐसे हम अपने घर में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, फैमिली में बेसिकली होता है कि जो हम अर्न करते हैं हम अपने प्रॉफिट में से अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट रिजर्व करके रख देते हैं। कर्जों को बियर करने की यहाँ पर बात आ रही है तो मैं यही कहूंगी कि लायबिलिटी बियर करने के लिए नहीं, बल्कि अचानक से कोई, जैसे रोजमर्रा के जो हमारे खर्चे हैं, रेंट देना है, इंश्योरेंस देना है, व्हाटएवर द थिंग्स आर, उनको पे करने के लिए नहीं, बल्कि अचानक से कुछ कंटिंजेंसी हो जाए तो उसके लिए जो हम रिजर्व रखते हैं उसे कहते हैं हम रिजर्व। तो रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जितना ज्यादा रिजर्व होगा, जितना ज्यादा रिटेन में हमने रिजर्व रखा होगा, उतने ज्यादा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी, उतनी मजबूत होगी। इट इज नॉट केप्ट असाइड टू बियर द लायबिलिटीज बट टू मीट द कंटिंजेंसीज, अचानक से होने वाली हैपनिंग्स दैट मे अराइज इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है। कंटिंजेंसीज बच्चों कभी भी हो सकती है, अचानक से होने वाला इवेंट, राइट। डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व आर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा, राइट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिजर्व? तो रिजर्व की जो डेफिनेशन है, फीचर भी उसी से ही ऑलमोस्ट बन गए। इट इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका एक फीचर। कैप टू मीट द कंटिंजेंसीज, अचानक से होने वाली कंटिंजेंसीज को बियर करने के लिए हम ये रिजर्व रखते हैं। हेल्प टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये रिजर्व हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, रिजर्व बेसिकली तीन तरीके से डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल रिजर्व, द अदर इज रेवेन्यू रिजर्व, एंड द थर्ड वन इज सीक्रेट रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग रखी थी, बिल्डिंग है या लैंड है या मशीनरी है, मैंने उसको सोल्ड कर दिया और मेरे पास उसको प्रॉफिट में सोल्ड हुआ, तो एसेट से, जो कैपिटल से, जो पूंजीगत मैंने प्रॉफिट कमाया, उसमें से अगर मैंने कुछ रिजर्व रखा है तो उसे कहते हैं हम कैपिटल रिजर्व। लेकिन जो मैंने रोज में आय कमाई, जो मैंने अर्न किया, अपनी अर्निंग में से अगर बच्चों में कुछ रिजर्व रख रही हूँ तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी कंडीशन। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम आय में से पेमेंट करते हैं, लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, विदाउट एनी कंडीशन हम वहां पर पे करते हैं, हम बियर करते हैं, ठीक है। बट कैन बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट या फिर प्रॉफिट को या कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए ये भी यूज किया जाता है कैपिटल रिजर्व भी, लेकिन इसकी भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। इफ दैट स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज देन ओनली वी पे फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग द कैपिटल लॉस एंड इट स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। नाउ हमारा जो रेवेन्यू रिजर्व है ना, बेसिकली वो टू टाइप से डिवाइडेड होता है। नंबर वन जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो हम केप्ट असाइड फॉर सम जनरल पर्पसेस, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक कंडीशन के इसी में ही रिजर्व को हमने उठा के रखा है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व द प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, के हाँ ये वाली प्रॉब्लम अगर होती है कंटिंजेंसी तो वहां भी है। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको हम WCR भी कहते हैं,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम IFR भी कहते हैं, या 12th के अकाउंटेंसी में जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो इसके ट्रीटमेंट्स हम पढ़ेंगे। अब हमारा बस एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये एक चार्ज होता है जो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और P&L अकाउंट में जाकर हमें ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन रिजर्व इट इज एप्रोविएशन ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से अ पार्ट ऑफ मनी हम रिजर्व करके रख देते हैं फॉर बियरिंग द फ्यूचर कंटिंजेंसीज। प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट द नोन लायबिलिटीज, वेयर एज रिजर्व इज क्रिएटेड इज नॉट टू मीट द लायबिलिटीज बट टू बियर द कंटिंजेंट प्रोबेबिलिटीज या कंटिंजेंट इवेंट्स या लायबिलिटीज, उनको बियर करने के लिए हम रिजर्व का यूज करते हैं। रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन प्रोविजन कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। कैन नॉट बी यूज फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन कभी भी डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वेयर एज इफ थोड़ा सा पैसा रिजर्व का बच गया है तो हम उसको डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोविजन को हम लायबिलिटी साइड और एसेट साइड भी एसेट से डिडक्ट करते हुए भी दिखा सकते हैं, लेकिन रिजर्व को हम केवल के केवल लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, और उसके टाइप्स में भी डिफरेंस दे सकते हैं कि इट इज ऑफ जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व आर द टाइप्स ऑफ रिजर्व, वेयर एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज द डिफरेंस, इज द एग्जाम्पल डिफरेंस ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। एक पॉइंट और रह गया, दैट इज सीक्रेट रिजर्व, वो रिजर्व जिसकी आइडेंटिटी हिडन होती है और फर्दर बैलेंस शीट में कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि ये भी एक रिजर्व है, लेकिन होता रिजर्व है लेकिन आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व भी फिनिश किया, हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा प्रोविजन क्या है, रिजर्व रिजर्व के टाइप उसके फीचर भी डिटेल में पढ़े, और लास्ट में हमने पढ़ा द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। और इस तरह से हमारा चैप्टर 15 बिल्कुल खत्म हुआ और एकदम से हमने इजी तरह से इसको सिस्टमैटिकली कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, सारे पॉइंट्स आपको प्रोविजन एंड रिजर्व के अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।